जिला कटनी के जनपद पंचायत विजय राघोगढ़ के थाने में होली में शांति का माहौल बनाए रह के इस विषय को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, नायब तहसीलदार जितेंद्र पटेल की उपस्थिति के साथ साथ थाना प्रभारी सुधाकर और समस्त विजय राघवगढ़ थाने के टीम उपस्थित रही। वहीं क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि थाना क्षेत्र में शराबियों और किसी भी असामाजिक तत्वों की वजह से अशांति की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार थाना क्षेत्र में 4 टीम तैयार कर पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि क्षेत्र में किसी भी तरह की लड़ाई दंगे की स्थिति न बने और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो, जिससे शांति का वातावरण बना रहे। न्यूज इंडिया N9 कटनी से सतीश कुमार नामदेव की रिपोर्ट। विशेष गाइडलाइन जारी की गई है क्या इस संबंध में? निर्देश अधिकारी मिस्टर पति रहे हैं, वो हमने डिस्कस किए जी जी। अभी तो उस किताब से फिर आगे जैसा होगा बताया जाए, सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी सहयोगी बताया कि हम सब आगे।